अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां विगत दिनों क्षेत्र में हो रही अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और अपराधियों पर अंकुश न लगने के चलते मनगवा थाने का कांग्रेस पार्टी द्वारा घेराव किया गया था। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पार्षद अरविंद मिश्रा के द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए थाना प्रभारी को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद थाना प्रभारी की शिकायत पर मनगवा थाने में पार्षद अरविंद मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उक्त मामला दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए 10 दिन के अंदर मामले की जांच कर पार्षद के ऊपर दर्ज मामले को समाप्त करने की मांग की है। कांग्रेसियों ने कहा कि बिना जांच पड़ताल में झूठा मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है, अगर 10 दिन के अंदर मामले में खात्मा नहीं लगाया जाता तो मनगवा थाने के साथ साथ पूरे जिले में आंदोलन करने के लिए कांग्रेस पार्टी बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आइए सुनते हैं कांग्रेसी पदाधिकारियों ने क्या कहा है। हम लोगों ने अभी 30 सितंबर को पुलिस के चोरी अपराध नफाखोरी के खिलाफ समाज कल्याण प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष हैं रवि जी, इसके माध्यम से हम लोगों का अब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गंगेयो के तारतम में एक धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ था, क्योंकि तमाम नेताओं ने बात, उसी में से हमारे ये पूर्व नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, वर्तमान पार्षद हैं अरविंद मिश्रा जी, इनके खिलाफ वहाँ के थानेदार महोदय ने मुकदमा कायम किया कि मुझे गाली दी। भाई गाली दी कि क्या किया, ये तो पूरे भाषण में सबने पुलिस की आरती उतारने हम नहीं गए थे, हम तो पुलिस को कोसने ही गए थे। हर किसी ने, ठीक है, अपने अपने से कोसा, कोई इस तरह की अभद्र वादा किसी ने किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को डराने के लिए उनने एक मुकदमा झूठा कायम किया अरविंद मिश्रा के, उसके खिलाफ अभी हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। एसपी साहब ने कहा भी है कि भाई हम लोग जांच करा के इसको वापस करेंगे, अगर एसपी साहब वापस नहीं कराते उसको आगे 10 दिन बाद पूरे ज़िले में कांग्रेस के कार्यकर्ता मनगवा थाना को घेरेंगे, पूरे ज़िले के थानों को घेरेंगे। थाना प्रभारी कौन है? थाना जेपी पटेल। पटेल। मेरा नाम बबीता साकेत है, मैं 2018 की मनगवा विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही हूँ, इसके पहले मैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी। हमारे यहाँ मनगवा में कोरेक्स हर चौराहे हर मोहल्ले में अगर आप चले जाओ तो लिए खड़े रहते हैं गाड़ी में लड़के, शराब घर घर बिक रही है। और ये नहीं कि कोई ये TI आए हैं तो हम लोगों का कोई ऐसे इनसे व्यक्तिगत वो है ना, हम लोगों से कोई उनसे लेना देना है, वो अपना काम करें। लेकिन मनगवा थाना एक ऐसा थाना, विवादित थाना रहा है, वहाँ चाहे जो आए, वहाँ दो दो नेताओं के इशारे पर वो थाना चलता है, और उन्हीं नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर ही TI और वहाँ के जो पुलिस वाले, सरेआम वहाँ रिश्वत मांगी जाती है, कोई इनके सामने की नहीं, इसके पहले भी जो लोग रह चुके हैं। और हम सब लोग अब आज तो SP से मिलने आए थे, हम सारे लोग अगर कभी इनसे अगर मदद के लिए अगर आदमी बोले कि कर दीजिए तो अच्छा जवाब नहीं रहता, इसके पहले भी जो TI रह चुके हैं। तो हम लोग इसलिए आज SP साहब के पास आए थे कि जो ये मादक पदार्थ और कोरेक्स और नशे की दवाइयाँ बिक रही हैं तो कम से कम सरकार से SP साहब बोले और ये सब बंद होनी चाहिए। हमारा नाम रवि तिवारी है, हम जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण में समाज कल्याण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, और हम लोग आज SP साहब से एक ज्ञापन देने आए थे कि पिछले 30 सितंबर को हम लोगों ने स्थानीय जन समस्याओं को लेकर मनगवा थाने का घेराव किया था, और थाने के घेराव के बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद के ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पाप को छिपाने के लिए मनगवा पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मनगवा के जो थाना प्रभारी और वहाँ की पुलिस है उसने एक नया पाप करके कांग्रेस पार्टी के पार्षद के ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध किया है, जिसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया SP साहब को, और SP साहब से ये आश्वासन मिला है कि हम जाँच कराएँगे और मामले पर कार्यवाही करेंगे और समाप्त कराएंगे। और हम लोगों ने इस बात का भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर पुलिस अधीक्षक महोदय इस पर समुचित कार्यवाही नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने पार्षद अरविंद मिश्रा के साथ है और पूरी ताकत से सड़क से लेकर हर जगह तक संघर्ष करने के लिए तैयार है और संघर्ष करेंगे।